राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस नागरिक अभिनंदन समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल जी, गृह मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी जी, महापौर श्री अशोक लाहौटी जी, मंच पर आसीन अन्य गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आन बान शान ली राजस्थान की धरा पर आज माने खड़ी खुशी हो रही है। राजस्थान के स्नेही लोग अपने अतिथि सत्कार के लिए हमेशा जाने जाते हैं और सराहे जाते हैं। आप सभी नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ यहाँ मेरा स्वागत किया है। इस आत्मीय अभिनंदन के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान प्रदेश से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ और आज जब यहाँ पर आया तो बहुत सी पिछली स्मृतियाँ तरोताजा हो गई। मैंने राजस्थान के कई क्षेत्रों में यात्रा की और मुझे यहाँ के जनजीवन के विविध रूपों को नज़दीक से देखने का अवसर मिला है। मैंने बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, भरतपुर, अजमेर, नागौर, अलवर और जयपुर, ये कुछ मैंने नाम लिए हैं। और कभी कभी लोग कहते थे पूछते थे कि ये जो नाम लेते हैं आप, छूटा कौन सा जिला? सही मायने में मैंने अपने भ्रमण के दौरान, प्रवास के दौरान सभी जिलों में राजस्थान की इंद्रधनुषी प्रकृति और संस्कृति को नज़दीक से देखा। मैंने देखा कि प्रकृति के रंगों की तरह ही धर्म और अध्यात्म, खान पान, वेशभूषा, बोलियाँ और भाषाएँ, लोक संगीत और नाटक, स्थानीय चित्रकला आदि के तरह तरह के मनोहर रूप राजस्थान में देखने को मिलते हैं। मैंने ये भी महसूस किया कि राजस्थान के लोगों में अपनी माटी, भाषा और मानवीय मूल्यों के प्रति गहरा लगाव है। धरती धुरानी और पधारो मारे देश जैसी कविताएं जन जन को कंठस्थ हैं। प्राकृतिक और मानवीय चुनौतियों तथा हर तरह की कठिनाइयों के बीच राजस्थान के लोगों ने सदैव अपना विकास जारी रखा है। यही नहीं, यहाँ के लोगों ने हमेशा विभिन्न उत्सवों और मेलों द्वारा उल्लास के रंगों के साथ जीवन को समृद्ध किया है। यहाँ के लोगों ने कला और साहित्य के श्रेष्ठ उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। दिसंबर 2016 में मुझे बिहार के राज्यपाल के रूप में छोटी खाटू में एक हिंदी पुस्तकालय द्वारा आयोजित एक समारोह में आने का अवसर मिला था। नागौर जिले के उस सुदूर गांव में जो ऊर्जा और कर्मठता मुझे देखने को मिली वे हमेशा याद रहे। उस समारोह में मुझे दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान प्रदान करने का अवसर भी मिला था। राजस्थान के चंद वरदाई हिंदी साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं और उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला काव्य माना जाता है। देवी और सज्जनों, राजस्थान के नागरिकों को श्री कल्याण सिंह जी के रूप में एक ऐसे राज्यपाल का मार्ग निर्देशन प्राप्त है जिनके सार्वजनिक जीवन में योगदान, कार्यकुशलता और अनुभव को बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। राजस्थान के आर्थिक और सामाजिक विकास को निरंतर आगे बढ़ाने में कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की भी सराहना करता हूँ।
साथ ही आज प्रारंभ की जा रही सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए भी मैं मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। संयोग से आज राजस्थान में एकत्रित हम सभी लोगों को आधुनिक भारत के एक गौरवशाली अध्याय को याद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज से ठीक 20 साल पहले 13 मई 1998 के दिन भारत ने अपने परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला सफलतापूर्वक ये परीक्षणों की श्रृंखला 11 मई से प्रारंभ होकर के 13 मई तक समाप्त हुई थी। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वह गौरवशाली इतिहास राजस्थान की धरती पर ही पोखरण में रचा गया था। इसे मैं अपना सौभाग्य भी मानता हूँ कि मैं पोखरण और रामदेवरा भी जाने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। राजस्थान की धरती भारत की शक्ति स्थली रही है। देश के बाहर और भीतर की उथल पुथल का राजस्थान के लोगों ने सामना किया है। आज भी भारत के सबसे बड़े राज्य की बहुत लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हमारे सैन्य बलों के साथ साथ यहाँ के बहादुर नागरिकों के बल पर सभी देशवासी चैन की नींद सोते हैं। राजस्थान की कहानी यहाँ के लोगों की बहादुरी की गाथा है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौर से लेकर परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह और कारगिल युद्ध के अनेक शहीदों तक अनगिनत सूरमाओं की ऐसी परंपरा रही है जिससे हर भारतवासी को गर्व और रोमांच का अनुभव होता है। पन्ना धाय और भामाशाह की कहानियों द्वारा राज्य निष्ठा और बलिदान की मिसालें दी जाती हैं और आज मुझे खुशी हुई कि राजस्थान सरकार की बहुत सारी जो योजनाएं मुझे देखने को भी मिली प्रदर्शनी के माध्यम से, वो भी भामाशाह के नाम पर चित्रित की गई है। यहाँ की जनजातियों के लोगों ने राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। राजस्थान ने शांति, सद्भाव और भक्ति के अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं, जिसमें गरीब नवाज ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती और मीराबाई जैसे महान उदाहरण हैं। उन दिनों राजस्थान के एक बहुत बड़े राजघराने की मीराबाई ने संत रविदास को अपना आध्यात्मिक गुरु माना और तत्कालीन समाज के लिए समानता और समरसता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आधुनिक भारत में भी आज प्रासंगिक है। भारतीय समाज को सही दिशा दिखाने की राजस्थान की परंपरा में श्री हरविलास शारदा ने सन 1929 में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक कानून बनाया जिसे बोलचाल की भाषा में शारदा एक्ट भी कहा जाता है। विगत कुछ दशकों की बात करें तो राजस्थान के दो सपूतों श्री भैरों सिंह शेखावत जी और सुंदर सिंह भंडारी जी का स्मरण स्वाभाविक हुआ था। मुझे खुशी हुई कि आज दो जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं वो शेखावत जी और भंडारी जी के नाम के ऊपर रखी गई है। मुझे इन दोनों महापुरुषों के साथ काम करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय रोजगार योजना और सुंदर सिंह भंडारी EBC स्वरोजगार योजना के शुभारंभ से मुझे और भी अधिक प्रसन्नता हुई है। इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति सफाई कर्मचारी दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु दिए गए ऋण की माफी का निर्णय उन दोनों विभूतियों को राज्य सरकार की सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के लोग आज आरंभ की गई योजनाओं के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का भी पूरा लाभ उठाएंगे। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किए गए। आज से लगभग 300 साल पहले निर्मित जयपुर शहर देश का पहला सुनियोजित और आधुनिक नगर था।
धरोहरों का संरक्षण करने और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने से राजस्थान में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिला है। राजस्थान ने विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपना विशेष स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। पर्यटन की क्षमता में और अधिक विकास करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे यहाँ के युवकों को रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। पर्यटन के विकास में ब्रांडिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजस्थान की ब्रांडिंग के बारे में मैं एक रोचक जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। इसी साल जनवरी में इजराइल के प्रधानमंत्री मुझसे मिलने राष्ट्रपति भवन पधारे थे। मैंने उनके सत्कार में उन्हें जो चाय पिलाई वो उन्हें बहुत पसंद आई और मुझसे पूछा कि ये चाय मेड इन इंडिया है, तो मैंने उनको बताया कि यस दिस इज मेड इन इंडिया बट स्पेसिफिकली मेड इन राजस्थान। मैंने बताया कि चाय की पत्ती राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड द्वारा बीकानेर में तैयार की गई है। भारत और इजराइल के बीच कृषि विकास के संयुक्त प्रयासों के तहत राजस्थान में विकसित जैतून की खेती के बारे में जानकर वो बहुत प्रसन्न हुए थे। राजस्थान के प्रतिभाशाली व्यापारियों ने भारत और दुनिया के कोने कोने में जाकर सफलता अर्जित की है। विशेषकर मारवाड़ के लोगों ने देश के अधिकांश हिस्सों में जाकर फाइनेंशियल मार्केट पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के विभिन्न प्रयासों की सहायता से इस प्रतिभा का उपयोग राज्य में ही अधिक से अधिक हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं हमारे लोकतंत्र का प्रतीक और देश की धरोहर राष्ट्रपति भवन, ये हर भारतवासी का भवन है, लेकिन राजस्थान का राष्ट्रपति भवन को विशेष योगदान है। राष्ट्रपति भवन के निर्माण में जैसलमेर, मकराना और अलवर के पत्थरों का उपयोग हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति भवन में मुख्य द्वार के पास ही एक जयपुर कॉलम स्थापित है। राष्ट्रपति भवन में आते जाते केवल मैं ही नहीं, आप लोगों की भी कभी एंट्री और एग्जिट होगी और उस रास्ते से जाएंगे तो आपको उस जयपुर कॉलम के नज़दीक से ही गुजरना होगा। राष्ट्रपति भवन में आते जाते मैं भी जयपुर कॉलम के पास से ही गुजरता हूँ और इस तरह राजस्थान हमेशा मेरे मानस पटल पर उपस्थित रहता है। मैं आप सबको जब कभी आपका दिल्ली आना हो राष्ट्रपति भवन में आने और उसे देखने का विशेष आमंत्रण देता हूँ। मैं आप सभी के शुक्रिया और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए।